हेलो दोस्तों, स्वागत है यार आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यार बहुत लेट एक वीडियो ला रहा हूँ क्योंकि मैं एक पार्ट टाइमर टाइप का एक यूट्यूबर समझ लो यार बन गया था, कुछ मतलब हो गया, मतलब कर नहीं पा रहा था मैं अब कंटिन्यू वीडियोस को, तो सॉरी उसके लिए दोस्तों। बट यार एक अनबॉक्सिंग आज मैं यहाँ पर लेके आया हूँ दोस्तों, चलिए देखते हैं यार। एक पावर बैंक का अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ दोस्तों, सिस्का ब्रांडिंग की है। एंड चलो दोस्तों इसे अनबॉक्स करते देखते हैं कि किस तरीके का पावर बैंक हमें देखने को मिल जाता दोस्तों। तो यार फ्लिपकार्ट ने पैकिंग पे ध्यान देना शुरू कर दिया है लगता है दोस्तों अच्छी तरीके से, यार जब से वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को परचेस किया है, क्योंकि पैकिंग तो यार यहाँ पे अच्छी खासी धासु टाइप की लग रही है यार। ये सील ब्रेक एंड लास्ट यहाँ पर है दोस्तों एक, तो दोस्तों ये कट गया, अच्छा लग रहा है दोस्तों आप देख सकते हो। पहले यार ये मैंने कट किया, अब यहाँ फिर से एक और यहाँ पे मुझे कट करना पड़ेगा एंड ये यहाँ से एंड देन फिर यहाँ से। तो दोस्तों यार अब ये बाहर आ गया है, जो मुझसे पहले से कनेक्टेड हैं वो जानते होंगे कि इस तरीके का पैकेट आने पे मैं क्या करता हूँ दोस्तों। तो देख सकते हैं यार ये अच्छा लगता है करने को। नीचे में मिल जाता है यार इसका मुझे बिल की कितने का प्राइसिंग वगैरह है इसका, सो इसे अब थोड़ा साइड में कर देते हैं दोस्तों और देखते हैं अपना मेन बॉक्स जो कि है अपना पावर बैंक। इसे यार एक बड़ी देख लेना अच्छा होता है, अच्छी चीज़ होती है यार, ये बहुत सही करते हैं ऑनलाइन वाले। दोस्तों ये है अपना पावर बैंक, लिखा हुआ है पावर बूस्ट यहाँ इसके ऊपर। पावर बैंक कुछ इस तरीके का देखने के वो लगता है दोस्तों। एंड सिस्का एसेसरीज यहाँ पर है, 10,000 mAh की ये कैपेसिटी वाला लियोन सेल बैटरी है, डुअल चार्जिंग सपोर्ट करता है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं। और बॉक्स पर कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं दोस्तों, यार क्या करना जान करके, वैसे भी चार्ज ही तो करता है ये। यहाँ से ये खुल जाएगा दोस्तों, तो चलिए इसे ओपन कर ले यहाँ से। एंड दोस्तों ओपन हो गया है और यार एक बार ये निकाल ले, बॉक्स में और कुछ नहीं है दोस्तों, यू कैन सी। तो हमें मिल जाता है ये केबल, इससे आप कनेक्ट करके अपना फ़ोन या कुछ भी जो भी चार्ज करना हो यार चार्ज कर सकते हो, ज़्यादातर फ़ोन ही करते हैं लोग। और ये है हमारा, ये यार थोड़ा हैवी है, बहुत ज़्यादा ही हैवी है दोस्तों इन कंपेरिजन विथ एक स्मार्टफोन से मैं करता हूँ, तो यार सच में बहुत हैवी है। और यहाँ पर आप देखो दोस्तों, तो यहाँ पर रेटिंग्स लिखी हुई है कि इनपुट जो है इसका 5V 2A है एंड आउटपुट है इसका 5V 2.1 और 2.2। तो यार नॉर्मली देखा जाए तो एक नॉर्मल चार्जर है सिस्का एसेसरीज, और यहाँ पर आपको 4 LEDs देखने को मिल जाती है दोस्तों, और यहाँ पर है 2 वेंट जिससे आप चार्ज कर सकते हैं। एंड यार एक है यहाँ पर USB 2.0 का पॉट जिससे ये खुद चार्ज होने वाला है, और ये पावर बटन प्रेस करके देख लेते दोस्तों चार्ज है या नहीं है, पता नहीं दोस्तों देखना पड़ेगा, शायद चार्ज नहीं है, नो दोस्तों चार्ज समथिंग है। और यहाँ पर लाइट जल रही है चारों के चारों, सो दोस्तों कुछ चार्ज तो होना चाहिए। और बॉक्स में अगर देखिएगा दोस्तों तो आपको मिल जाता है कुछ बेकार सा चीज़, यूज़र मैनुअल, किसे चाहिए बेकार में दे देता यार, सबको पता है यार क्या करना है इसका, और फॉर्मेलिटी है यार दे दिया बस और क्या। सिस्का एसेसरीज यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है, और अगर मैं कैमरा यार थोड़ा अच्छे से कर दूँ तो शायद आप देख पाएँ, हाँ अब यार थोड़ा सही हो गया है। एंड अब यहाँ देख सकते हैं वारंटी कार्ड है जो कि भरने के लिए तो कोई आने नहीं वाला है इसे तो, और यहाँ पर कुछ है नहीं टर्म्स एंड कंडीशन भाग बेकार चीज़ है यार, ये चीज़ साइड में कर देते हैं। देखते हैं अपना ये जो है मेन पावर बैंक बिल्ड क्वालिटी, यार सच कहूँ तो इनिशियल इम्प्रेशन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एंड दोस्तों 10,000 mAh की है ये, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है दोस्तों, बस वही रेटिंग्स हैं यहाँ पर। आउटपुट इसका है एक 2.1 एंड 2.1 amps, करे तो यार देखे तो फास्ट चार्जर फास्ट कर सकता है चार्ज, आउटपुट है इसका 2.1 और 5 वोल्ट्स पे है, तो अप्रॉक्स अच्छा खासा आप इसे चार्जिंग कर सकते हैं। यार मैंने जब इसे ऑर्डर किया तो यहाँ लिखा हुआ था कि इसे चार्ज कर ले यूज़ से पहले, तो अब मैं इसे पहले चार्ज कर लूँगा दोस्तों एंड देन देखते हैं कि इसका जो भी आउटपुट होगा कैसा होगा नहीं होगा। एंड दोस्तों सिस्का का जो भी कुछ आता है बहुत सही आता है दोस्तों। मैंने कुछ दिन पहले एक और चीज़ मंगाया था, ये अडैप्टर
इसमें भी दो वेंट सिस्का ने मुझे दिया था इसमें। और अगर आपको रेटिंग्स आई थिंक दोस्तों देख पाए आप शायद, बैड क्वालिटी के लिए यार माफ़ी चाहूँगा, पर अगर ठीक से अगर फोकस करूँ तो रेटिंग्स यहाँ पर आपको दिख रहे हो शायद दोस्तों। तो ये एक नॉर्मल चार्जर है बट यहाँ पर टू वेंट्स हैं यार, इसी कारण मैं इसे परचेस किया। और देखा तो यार फिर भी नॉर्मल चार्जर है बट फिर भी ठीक ठाक टाइम पर ये चार्ज कर देता है मेरे मोटरोला G5 प्लस को। और बस यही था यार कुछ चीज़ें, और इसे अनबॉक्स किया मैंने और इसे मैं चार्ज कर करके और इसका कुछ यूज़ करूँगा कुछ दिन, एक दो दिन तो यार कम से कम यूज़ करना बनता है। उसके बाद मैं इसका एक जो इनिशियल इम्प्रेशन था ये मैंने अभी दे दिया, जो टोटल रिव्यू मेरा होगा वो मैं आपको एक दो दिन बाद बता पाऊँगा दोस्तों, क्योंकि बिना यूज़ किए मैं बता नहीं सकता हूँ। एंड आप इसे फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन अपने लोकल मार्केट कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। जब मैंने इसे लोकल मार्केट में पूछा एक बारी दोस्तों तो उन लोगों ने मुझे प्राइसिंग बताई इसकी 1700, जबकि मुझे ये मिला है फ्लिपकार्ट पे ऑन ऑफर। बिल यार था यहाँ पर, बिल मैंने यहाँ पर रखा था दोस्तों ऑन ऑफर। आप शॉक्ड हो जाओगे कि मुझे ये कितना मिला है ओनली, तो आप खुद गैस करो दोस्तों कि ऑनलाइन अच्छा होता है या फिर ऑफलाइन। और यार मैं इसे चेकआउट करके आपको बताता हूँ यार कैसा है पावर बैंक, यूज़ करना चाहिए नहीं। MI का भी पावर बैंक आता है दोस्तों लेने, वो का भी पावर बैंक आता है बट मुझे अच्छा लगा, MI पे मुझे उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होता दोस्तों, इसलिए मैंने उसे परचेज नहीं किया। किसी को आपत्ति हो तो अब सबका अपना अपना कंपनी होता है दोस्तों, लेनोवो में ले सकता था बट ये सोचा मैंने इसमें डबल वेंट है तो मैंने इसे लिया। इसके प्राइसिंग बहुत अच्छी लगी मुझे दोस्तों, और इसमें जो 10,000 mAh की बैटरी है मुझे लगा मेरे लिए सफिशियंट है दोस्तों, क्योंकि मैं ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम घर में है भी नहीं मेरी, तो यार बहुत सही लगा। 20,000 watt का MI का आता है दोस्तों बट उतना मुझे ज़रूरत भी नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिया उसे। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में बस यही, और यार बहुत सी अनबॉक्सिंग वगैरह मैं नहीं ला पाया एंड किसी फ़ोन के यार मैं आपको नहीं बता पाया, उसके लिए सॉरी बोलूँगा दोस्तों। बट अभी बता देता हूँ दोस्तों कुछ चीज़ें कि कुछ फ़ोन्स अभी लॉन्च हुए दोस्तों डुअल डिस्प्ले के साथ में। वीवो Nex 2 चाइना में ही लॉन्च हुआ है एंड प्राइसिंग में भी उसकी 50,000 से ज़्यादा हो सकती है दोस्तों। एंड और अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो नूबिया का X एक फ़ोन आया दोस्तों, ऑलमोस्ट 36,000 इंडियन करेंसी में है उसकी प्राइसिंग, और उसके लिए भी आपको ऑनलाइन परचेस करना पड़ेगा। तो ये थे डुअल डिस्प्ले वाले टू फोन्स, R70 प्रो है दोस्तों, अच्छे फीचर्स के साथ ये फ़ोन है, मैंने अभी बस यार बता दिया और कुछ मैं बता नहीं पाऊँगा। और ASUS का भी दो फ़ोन आया है दोस्तों, वो भी अगर चाहे 10,000 की रेंज में तो परचेस कर सकते हैं। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं वीडियो नहीं ला पाता उसके लिए बहुत 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 वाला सॉरी कहूँगा दोस्तों। बस थैंक यू, मिलता हूँ दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, पता नहीं कब आएगा बट आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, टेक केयर।